और अब रुख करते हैं जगदलपुर का, जहां से राहुल गांधी सीधा संबोधित करने वाले हैं जनता को, और वहीं पर हमारे स्टेट हेड आर के गांधी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। तो आर के गांधी जी, क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरह की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है, राहुल गांधी पहुंच रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी कल से बस्तर में हैं और बस्तर में रहते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। तमाम पदाधिकारी जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की। और देखिए, मैं अपने कैमरामैन को बोलना चाहूंगा कि जो मंच है, मंच की तरफ वो कैमरा को घुमाए कि जिस तरह से यहाँ पे इंदिरा गांधी की जन्म शताब्दी वर्ष है, और इस जन्म शताब्दी वर्ष में कांग्रेस के आला नेता तमाम जगह पहुंच रहे हैं। जन अधिकार सभा यहाँ पे रखा गया है और इस जन अधिकार सभा के जरिए राहुल गांधी आज हुंकार भरेंगे। और बताया जा रहा है ये कि इस सभा के जरिए प्रदेश की सत्ता में काबिज होने के लिए जो रणनीति है, एक तरह से चुनावी संखनाद का आगाज भी यहाँ हो जाएगा। और इस चुनावी संखनाद के जरिए राहुल गांधी किन किन मुद्दों को उठाते हैं, देखिए मुद्दे जो है वो मुद्दे काफी अहम हो जाते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इस मंच से क्या क्या मुद्दे उठाते हैं वो देखने वाली बात होगी। देखिए, यहाँ पे मंच पर जो लोग बैठे हुए हैं उसमें धर्मेंद्र साहू जी हैं, जो अबनपुर से विधायक हैं, किसानों के कई सारे मुद्दों को उन्होंने विधानसभा में रखा है। नंद कुमार पटेल जी के सुपुत्र यहाँ पे उमेश पटेल जी हैं, जो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। यहाँ पे दीपक वैद जी मौजूद हैं, जो बस्तर से प्रतिनिधित्व करते हैं जनप्रतिनिधि के तौर पे। मोहन मरकाम विधायक है, रामध्वज साहू जी है सांसद, राजेश तिवारी जी इसमें मौजूद है। तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो पदाधिकारी है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और जो उद्घोष है, जो नारा लगाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के बारे में, तो इसके जरिए एक माहौल बनाने की भी यहाँ पे कोशिश हो रही है कि जिसके जरिए पूरे प्रदेश के मैसेज जाए और जन अधिकार सभा के जरिए इसके जरिए उन तमाम मुद्दों को उठाया जाए जो जनता के दिल को छुए। और खासतौर पर देखिए, नगरनार जो प्लांट है, नगरनार प्लांट को लेकर जो जमीन अधिग्रहण का मुद्दा है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज देखिए कि बस्तर में कांग्रेस के तमाम आला नेता यहाँ पे पहुंचे, पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे आ चुके हैं, इंदिरा गांधी यहाँ पे आ चुकी है, राहुल गांधी यहाँ पे कई बार आ चुके हैं, और हमारे साथ में एंथोनी राम जो बस्तर संभाग के ब्यूरो है वो हमारे साथ मौजूद है। एंथोनी, इस सभा को आप किस तरह से देखते हैं, सिर्फ बस्तर ही नहीं इस प्रदेश के लिए, देश के लिए? जी देखिए, जिस तरीके से सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखने को मिली है, जो जन अधिकार जो सभा यहाँ पे लगाया जा रहा है, ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो एनएमडीसी के नगरनार स्थापित प्लांट को लेकर जो निजीकरण हो रहा है उसको लेकर यहाँ पर मेन मुद्दा इनका है कि इस मुद्दे को उठाया जाए कि निजीकरण नहीं हो, जिससे कम से कम स्थानीय लोगों को यहाँ जो बस्तर के, खासकर क्योंकि बस्तर की जो राजनीति है उससे आप देख सकते हैं 8 सीटें यहाँ पर कांग्रेस की है, निश्चित तौर पर वो यहाँ 12 की 12 सीटें लाना चाहती है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि यही की राजनीति से ही छत्तीसगढ़ की सत्ता कायम होती है। तो अपनी जनता को ज्यादा से ज्यादा देने का प्रयास करने का, और राहुल गांधी यहाँ पर आकर उनसे निजी, जिस तरीके से हमने कल देखा था, राजीव जी आप खुद यहाँ पर रिपोर्टिंग किए थे कि हमने देखा था कि किस तरीके से जमीनी जितने भी लड़के बस्तर के अलग अलग आंदोलन क्षेत्र से भी आए थे उन्हें भी प्रमोट किया गया, उन्हें भी दिखाया गया एनएसए के माध्यम से। अभी भी जो सभा चल रही थी एनएसए के माध्यम से जो सभा चल रही थी, तो कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि नीचे स्तर में यहाँ पर हाईलाइट करने का सोचा जा रहा है, उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है आने वाले 2018 के चुनाव को लेकर, कि जितने भी नीचे स्तर के जितने भी नेता होंगे, कार्यकर्ता होंगे, उन्हें उठाया जाएगा और उन्हीं के तहत, उन्हीं के सहयोग से ही यहाँ पर सत्ता काबिज की जाएगी। और एक बहुत बड़ा यहाँ पर अभियान जो कांग्रेस ने छेड़ा है, निश्चित तौर पर उसका असर भी देखा गया है। पिछले 2 दिन से जिस तरीके से कांग्रेस की लहर देखी गई है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अलावा कई ग्रामीण हम देखे भी हैं, हम कैमरा में भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से लोग अब लोगों का हुजूम जो आ रहा है, ये इससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब कांग्रेस सिर्फ नीचे स्तर में, जो हम पार्टी थर्ड पार्टी का बात कर रहे थे पीछे, उसके ग्रेड को हम थर्ड ग्रेड बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं, अब टक्कर की स्थिति बस्तर में भी दिख रही है। और कहीं ना कहीं ये बस्तर की जो अगर वोटिंग बढ़ता है, यहाँ के जो विधायक है वो बढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर विधानसभा में एक बड़ा असर और बड़ा टकराव नजर आएगा विधानसभा 2000 यहाँ पर। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस इस सभा तमाम लोग पहुंच रहे हैं, यहाँ पे महिलाओं का काफी प्रतिनिधित्व देखने को मिल रहा है कि महिला जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के
वो यहाँ पे पहुंची हुई है। महिला सम्मेलन की जिस तरह से बात की जा रही थी कि महिलाओं को अधिक से अधिक आगे लाने की यहाँ पे जरूरत है, और इस जरूरत के हिसाब से जब कल राहुल गांधी पहुंचे थे तो अटल बिहारी वाजपेयी की जो भतीजी है करुणा शुक्ला, वो जब वहां पर स्पीच दे रही थी तो राहुल गांधी ने उनको रोका नहीं। तमाम जो नेता यहाँ पे थे वो ये बोल रहे थे कि करुणा शुक्ला को रोका जाए, लेकिन राहुल गांधी ने धैर्य के साथ में उनके पूरे स्पीच को सुना और ये समझने की कोशिश की कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्या चाहिए। करुणा शुक्ला यहाँ पे बीजेपी में रह चुकी है, बीजेपी से नाराजगी होने के बाद में उन्होंने कांग्रेस में प्रवेश किया था पिछली बार जब विधानसभा चुनाव था, उसके बाद से तमाम प्यासें यहाँ पे लगाई जा रही थी, और जब राहुल गांधी ने उसे संबोधित किया तो उस संबोधन को अगर समझा जाए तो इस संबोधन के जरिए भी राहुल गांधी ने जो यहाँ पे कार्यकर्ता को संबोधित किया कि पहली चीज ये कि हम सच्चाई के साथ चलते हैं और जो सत्ता में यहाँ पे पार्टी बैठी हुई है वो जिस तरह से पुलिंदे करते हैं उसके जरिए वो सत्ता काबिज करने का ही मुद्दे रखते हैं। तो राहुल गांधी का जो पूरे स्पीच को सुना गया तो स्पीच के जरिए उन्होंने कई सारे मुद्दों को एक साथ सुनने को दिया, बिल्कुल कई अहम बातों को उन्होंने उठाया है, खासकर कार्यकर्ताओं को लेकर। आपने देखा है कि जिस तरीके से जोगी का जो खेमा था वो अलग गया, जो कि कांग्रेस जो अलग एक पार्टी बनी, उसके बाद कई कांग्रेस टूट के अलग हुए थे, कई कांग्रेस कार्यकर्ता जो टूट के अलग हुए थे। अब ये देखा गया है कि कई कांग्रेस कार्यकर्ता कल यहाँ पर कार्यकर्ता कांग्रेस में जुड़े। इसके अलावा जो बड़े बड़े चेहरे थे जैसे कवासी लखमा के सुपुत्र थे, उनका वापस कांग्रेस में आना अपने आप में एक बड़ा बात था। इसके अलावा ऐसे कई बड़े नेता जो थे जो कि कांग्रेस में चले गए थे वो लौट के वापस आ चुके हैं, तो इससे एक साफ नजर आ रहा है कि कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह यहाँ पर नजर आया है और जो नए कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कई बीजेपी के कार्यकर्ता जो थे जो गांव क्षेत्र में काम कर रहे थे वो भी वापस कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इसके अलावा जो भी कांग्रेस में चले गए थे वो भी वापस कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो एक बड़ा खेमा या जो खासकर युवाओं का खेमा वो वापस आया है। तो अगर युवाओं का खेमा वापस आता है तो इनके जो हैंड्स होते हैं, जितने भी हाथ हैं जो खासकर गांव गांव तक पहुंचने वाले हाथ हैं, वो मजबूत हो जाएंगे। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं राजू जी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस वापस एक बड़े फ्लो में वापस आ जाएगी, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार हम अगर पिछले विधानसभा में हम देखते हैं पिछले विधानसभा में भी कांग्रेस ने बड़ा अच्छा टक्कर दिया था, कुछ सीटों से ही पीछे रही, तो इस बार एक नया यहाँ पर नई तैयारी चल रही है, नई तैयारी के तहत में पूरा काम हो रहा है। तो नई तैयारी के तहत में काम हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अब जो टकराव रहेगा ये 19-20 का पहुंच गया है, और 19-20 का जो आंकड़ा पहुंचा है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी यहाँ पर टकराव नजर आएगी और बड़ी यहाँ लड़ाई विधानसभा में रहेगी। जब देखिए राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे तो जो अजीत जोगी कांग्रेस से जिस तरह अमित जोगी ने 5 सवाल किया पोलावरम बांध से रिलेटेड और छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, उन्होंने कहा मंच लगा होगा तो उसके सवाल का जवाब दिया। आपको नहीं लगता कि अमित जोगी ने राहुल गांधी की सभा को लेकर अपनी राजनीति को सबसे लगाया? बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को की बात कर रहे हैं, उनकी जो शब्दावली थी उससे हम समझ पा रहे हैं कि एक नई राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि तमाम बात करेंगे, हकीकत में इस समय कुछ महिला कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह से राहुल गांधी की आपकी सभा को देख रही है, समझ रही है। राहुल गांधी का भी सभा को देखा जाए, समझा जाए, कांग्रेस कितनी मजबूत होती नजर आ रही है, और खासतौर पर जो स्थानीय मुद्दे हैं आप उन मुद्दों को किस तरह से देखते हैं? राहुल गांधी को तो हर जगह इसी तरह हमेशा आना चाहिए, और हर जिले में आकर के मैंने जिस तरह कांग्रेस से फूट पड़ गई है उन्हें मजबूत करना चाहिए, तो सबको एक करेंगे ना तो इसका फायदा भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। नगर नार का जो इशू है, नगर नार का इशू जो चल रहा है, उस इशू को आप कितना ऐसा समझते हैं कि जो आदिवासियों के दिल नगर नार इसी इस तरह का है कि इसे मतलब केंद्र तक पहुंचनी चाहिए बात, ताकि आपके आदिवासी अपने पैरों पर खड़े हो सके और लोगों को आगे बढ़ने का पूरा मौका मिले। कि राहुल गांधी मतलब गांधी मेरे परिवार में हर कोई जाता है, इंदिरा गांधी जी आई, अबुज मार गई, मेरी भी जगह है, उन्होंने आदिवासियों के हित के बात की। अब राहुल गांधी ये मुद्दे नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के लिए कुछ करना चाह रही है, कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के लिए कुछ करना, क्या हो सकता है आदिवासियों के लिए? आदिवासियों को पहले तो शिक्षा, उन्हें रोजगार दिलाया जाए, और राजनीति में सारे सेक्टर में हर जगह उन्हें आगे बढ़ाया जाए।
सबसे पहली बात तो अभी जितने युवा वर्ग हैं वो बहुत ही एजुकेटेड हो गए हैं, आदिवासी में भी हुए हैं, तो उसका फायदा भविष्य में मिलेगा क्योंकि वो अपने हक के लिए ना आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो वो उनका आगे और भी उज्जवल भविष्य है। समझा जाए नक्सल समस्या को, क्या इसका को लगता है कि राहुल गांधी ने जो बातें कही उससे नक्सल समस्या को भी काफी हद तक दूर किया जा सकता है इस इलाके में? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, हर बार ऐसी इसी तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे तो सब आदिवासी जो दूर दूर में है जो कटे हुए हैं वो आएंगे, वो समझेंगे, चार लोगों के बीच में आठ दस लोगों के बीच में बैठेंगे तो उनको जरूर अपने भविष्य के लिए वो सोचेंगे और गलत कर रहे हैं क्या सही है वो समझ में आएगा, तो जुड़ेंगे, जरूर जुड़ेंगे। ये है कि दिल्ली से जिस तरह से बस्तर को देखा जाता है समझा जा सकता है, अगर दिल्ली का कोई नेतृत्व यहाँ पे आए और आदिवासियों के बीच में उनकी हित की बात करे तो निश्चित तौर पे आदिवासी उनकी बातों को सोचेगा समझेगा और कहीं ना कहीं बहुत बेहतर परिस्थिति यहाँ पे देखने को मिलेगी। हाँ उनको मिलेगी, प्रगति होगी हर हाल में होगी। आप महिला होने के नाते क्या सोचती है, किस तरह से महिलाओं को आगे आने की जरूरत है बस्तर में? महिलाओं को बिल्कुल अगर जितनी भी पोस्ट है सब में आगे, चाहे राजनीति में आगे लाते जाए, सबको हर पोस्ट में जितने वो डिवाइड करते जाए और उनको फिर अलग से उनको महत्व दिया जाएगा तो महिलाएं तो आगे बढ़ेंगी और वो अपने हक के लिए फिर जिस तरह भी उठी है तो आगे और भी आएंगे, आगे और भी सब जुड़ेंगे, पार्टी से जुड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी से जुड़ेंगे, इसका बेनिफिट कांग्रेस को मिलेगा। आदिवासी महिलाओं की अगर बात की जाए काफी परंपरागत रहती है, अपने घरों में ही रहती है, घरों की इर्द गिर्द उनका पूरा चलता है, तो ऐसे में आदिवासी अगर महिलाओं को आगे लाने की जरूरत है क्या करने की जरूरत है? आदिवासी महिलाओं की अगर लेकर बात की उनको तो बात तो उन्हें जब हमेशा छोटे छोटे स्तर पे जागरूक किया जाए, इकट्ठा उन लोग उनके समूह में इकट्ठा होंगे वहाँ उन्हें समझाया जाएगा, उन्हें आगे किस तरह बढ़ना चाहिए, उन्हें अगर किसी कोई सवाल करता है तो उसका जवाब कैसे देना है वो देंगे जरूर आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे हमारे सबसे महिला यहाँ पे जुड़ी हो किस तरह से तमाम बातें करते हैं और यहाँ पे तमाम जो आदिवासी महिला है जो पुरुष वर्ग है वो यहाँ पे आते जा रहे हैं और अपनी अपने को यहाँ पे समाज में एकता निभाना चाहते हैं। एंथोनी जी जिस तरह से हमने एक महिला नेतृत्व महिला नेतृत्व यहाँ पर बात की राहुल गांधी की सभा को लेकर जो उनका कहना था कि दिल्ली में रहकर बस्तर के बारे में जिस तरह सोचा जाता है, अगर बस्तर में आके आदिवासियों की बात की जाए तो एक बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बस्तर में आदिवासियों को जिस तरीके से देखा जा रहा है क्योंकि बस्तर में आदिवासियों का प्रतिशत ज्यादा है और खासकर अगर आदिवासियों को लेकर अगर सरकार चलती है तो निश्चित तौर पर वो यहाँ पर काबिज कर सकती है और बस्तर में यहाँ पर देखा भी गया है आदिवासी नेता जितने भी हैं यहाँ पर आदिवासी नेता हैं वही हमेशा यहाँ पर सत्ता में काबिज हुए हैं और एक लगातार ये भी देखा गया है हमारे जितने भी यूथ के लोग अभी जिस तरीके से जुड़ रहे हैं वो तमाम लोग आदिवासी हैं, हम लोग इस क्षेत्र से आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं चाहे वो महिला कार्यकर्ता हो और चाहे वो यूथ के कार्यकर्ता हो सभी आदिवासी हैं, आदिवासी बिलोंग से आते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ की जिस तरीके से सबसे बड़ा जो मुद्दा ये उठाया गया है जो नगरनार के निजीकरण का मामला उठाया गया है, प्लांट के निजीकरण का मामला उठाया गया है, ये राष्ट्र का जो मामला है ये कहीं ना कहीं हित जो है वो यहाँ के लोकल आदिवासियों को हित देगा, यहाँ के लोकल आदिवासियों को काम मिलेंगे, उनका रोजगार बढ़ेगा, तो अगर ये मामला अगर उठता है और इस मामले को लेकर कांग्रेस अगर अपना चुनाव लड़ती है और कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर पुरजोर प्रयास किया जाता है और कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस अभी लड़ना शुरू करी है और कुछ प्रतिशत भी अगर ये कांग्रेस का ये जो मुद्दा है वो सफल रहेगा तो निश्चित जो इनकी आदिवासियों की जो वोट है आदिवासियों का जो कांग्रेसी वोट है वो वोट का प्रतिशत बढ़ सकता है, वोट का प्रतिशत बढ़ सकता है, बस्तर इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। आशुतोष तिवारी हमारे साथ में मौजूद है। आशुतोष जब कल राहुल गांधी बात कर रहे थे तो उन्होंने सीधा सीधा जो निर्देश दिया उनका ये कहना था कि युवाओं को अधिक से अधिक टिकट दिया जाए, कई कई 50% में युवा प्रतिनिधि से आए, आप युवा है युवा होने के नाते युवाओं का देश भी है और राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं
युवाओं को लेकर ही टारगेट किया और तमाम जो पार्टी सर्विस नेता है उनसे बातचीत की, युवाओं को लेकर बिल्कुल आप जो राहुल गांधी है युवाओं के लिए सोचते हैं और काफी उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर लगभग अधिक संख्या में युवा ही हैं और लगातार वो युवा का ही जो पार्टी है वो बनाते आए हैं। जैसे कि यहाँ पर जो उनके कार्यकर्ता हैं वो उसमें काफी उत्साह भी है जो युवा वर्ग के लोग हैं और वो युवाओं के लिए मिलाकर यहाँ पे हर वर्ग को यहाँ पे साधने की कोशिश राहुल गांधी करते नजर आ रहे हैं। और जब सभा में इस सभा में जब जो पूरे बिहार का घटनाक्रम रहा जो राजनीतिक का हिस्सा भी आपने देखने को मिली और राहुल गांधी ने जो तमाम वक्तव्य दिए और बीजेपी को लेकर जो उन्होंने टारगेट किया वो इस मंच से भी कई ऐसे मुद्दों को छूते नजर आएंगे जिससे वो सीधे सीधे बीजेपी को टारगेट करते नजर आएंगे।